वेलकम टू माय चैनल जनरेटर वाला। देखिए LMS का PEG 32 वाई जनरेटर है, इन्वर्टर जनरेटर। तो ये अब सेल हो गया, गुजरात जा रहा है, उनका 5000 रुपये एडवांस आ चुका है। अब स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, उन्होंने एडवांस डाल दिया तो कल ये पैक होकर निकल जाएगा। सामान सब रखा हुआ है इसमें, इसे फाइनल है, ये इसकी यूजर मैनुअल बुक है, ये बैटरी वारंटी बुक है। तो इसकी सर्विसिंग के बारे में बताएंगे, मेंटेनेंस कितना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसमें सारे इसके टूल किट है आपकी, सॉकेट अडेप्टर रखे हुए इसमें, बैटरी चार्जर रखा हुआ है, दिखा दे रहे आपके पास खोल के क्या क्या देती है। तो ये देखिए, ये आपका प्लग पाना हो गया, ये आपका बैटरी चार्जर, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, बाइक वाइक की हो गई छोटी बैटरी। ये आपका पेचकस हो गया है, और ये प्लग खोलने वाला हैंडल है। ये दो अडेप्टर देती है कंपनी आपको पावर लगाने के लिए। बाकी देख सकते हैं इन्वर्टर जनरेटर, जैसे U30i आता है वैसे ही इन्वर्टर जनरेटर है, ये LMS कंपनी का है ये। तो इसका बॉक्स रखा हुआ है, देखिए इसका बॉक्स है, PCB अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे चलाता है, CPC भी अप्रूव्ड है। तो इस बॉक्स में आता है, बॉक्स से निकाल लिया था, तो इसे पैक कर देंगे ये। तो इसकी सर्विसिंग कैसे होती है बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर इसका इंजन ऑयल पड़ता है, यहाँ से इंजन ऑयल चेंज होता है, इंजन ऑयल कंपार्टमेंट है इसका, 650 ml इंजन ऑयल पड़ता है इसमें। यहाँ इंजन ऑयल पड़ेगा आपको 650 ml 10W30 ग्रेड का। ये आपको इंजन ऑयल चैम्बर है, इधर आपको पूरा कंट्रोल बॉक्स दे रखा है, ये आपको कंट्रोल है, यहाँ पे पावर का आपका, ये आपका सर्किट ब्रेकर दे रखा है पावर लेने के, ये आपका मीटर है जो आपको डिस्प्ले में दिखाएगा जी कितने घंटे चला है, ऑयल कम होगा तो लाइट जल जाएगी, कोई फॉल्ट होगा तो लाइट जल जाएगी, आउटपुट इंडिकेटर है, इको थ्रॉटल है आपका, ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, ठीक है। और यहाँ इसकी चोक दे रखी, देखिए अभी बता देना इसको कैसे ऑपरेट करना है। तो ये देखिए ऑफ पे अभी है, ठीक है, ये ऑन होगा पेट्रोल पे जाएगा। सबसे पहले आपको नीचे लाना चोक, यहाँ पे लगती है, इसमें मैनुअल चोक लगानी पड़ेगी, चोक के लिए नीचे लाना, स्टार्ट होने वाला ऑन कर देना, फिर पेट्रोल जाने लगेगा, फिर ऑफ कर दीजिए। और ये देखिए 12 वोल्ट की बैटरी आप कोई भी चार्ज करते हैं, बाइक स्कूटी की यहाँ पे लगा के। आप देखिए रोप असेंबली इसकी यहाँ पे दे रखी, रस्सी स्टार्ट है, जैसे कोई बैटरी डाउन होता है रस्सी स्टार्ट कर, उसी के अंदर इसका एयर फिल्टर लगा हुआ है, इधर से एयर फिल्टर लगा, आपको खोलेंगे आप तो आपको पेपर और फिल्टर है 40 से 60 घंटे में आपको क्लीन कर देना है। बाकी यहाँ पे सब लिखा हुआ कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो देखते 220 वोल्टेज है, 50 फ्रीक्वेंसी है, रेटेड आउटपुट 2.8 kV, मैक्सिमम 3.1 kV है, सिंगल फेज जनरेटर है ये। 10 लीटर फ्यूल टैंक दे रखा है इसका, पेट्रोल टैंक है, पेट्रोल जनरेटर है, क्योंकि पेट्रोल 10 लीटर में आ जाता है आपका। तो चलिए आपको स्टार्ट कर लोड टेस्ट कराते हैं इसका। चलिए अभी स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, स्टार्ट कैसे होता है, प्रेस करना है, देखिए स्टार्ट हो गया। अब आउटपुट डालना है, ये वोल्टेज आ गया 235, देखिए लोड डाल दिया, अब लोड डालो, 3100 वाट लोड डाल दिया, ठीक है, ये देखें बिल्कुल साइलेंट है, देखिए ये लोड चल रहा है पूरा, यहाँ बता भी रहा होगा, ठीक है, 2200 वाट देखिए लोड बता रहा है। MCU बंद करो, देखिए बंद हो गया, बिल्कुल U30 जैसा है, जैसे सारा लोड हर चीज़ बताता रहेगा आपको, कितना वोल्टेज आ रहा है, कितनी बैटरी चार्ज, सब बताता है आपको। ये बटन दे रखा है, दिखाते हैं आपको, देखिए बटन दे रखा है, सारी चीज़ बटन दे रखा, कितना चार्ज है, वोल्टेज, सब कुछ बताता रहता है, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करने का आपको प्रेस करना है बटन को, बटन प्रेस करें स्टार्ट हो जाएगा, और बंद करना हुआ तो ऑफ पे कर दीजिए, देखिए ऑफ लिखा हुआ है, इसको ऑफ कर दिए बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम ऑयल निकाल दे रहे हैं इसका, क्योंकि कल ये ट्रांसपोर्ट पे जाएगा गुजरात, ऑयल निकाल दे रहे हैं और इसे पैक कर देंगे अभी अभी हम इसे। चलो आज ये देखिए सेट जिसका था तैयार हो गया, पैक हो गया, जा रहा, उनकी पूरी पेमेंट आ गई थी, निकल रहा है ये। अब बस ये कि बस डिलीवरी का अलग बनेगा, यहाँ तक का दिखा दिया, आगे का वीडियो लगातार बने रहिए। बाकी U70 है जैसे हर बार दिखाते हैं हम लोग, ये भी आजकल में जाने वाला है, ये 2800 की बात चल रही है, ये भी जाने वाला है आजकल में, क्योंकि चीज़ें जो होती है ना बहुत अच्छी अच्छी हो गई, आदमी ले लेता है तुरंत जो भी चीज़ें मेरे पास अच्छी है सब। अभी भाई साहब एक थे जिनका 5000 रुपये मार दिया दिल्ली वालों ने, नाम नहीं बताएंगे, उसका भी क्लिप डालेंगे बीच में, सुनिएगा उसको, आपको देखने में पता चलेगा कि कैसे फ्रॉड करने वाले अलग होते हैं। आपका मैं वीडियो 3-4 महीना से देखता हूँ हर रोज़, आप अच्छा सबको भेजता है प्रोडक्ट और रिलाय भी कर सकता है। अरे कुछ दिन पहले, मैंने कुछ महीना पहले मैंने एक दिल्ली से एक लड़का से बात हुआ था, वो 5000 रुपया एडवांस भी लिया था, वो जनरेटर भेजा नहीं, वो फ्रॉड निकला। उसके बाद आपका वीडियो मैं देखता हूँ 3-4 महीना से, उस आज मैं आपको कॉन्टेक्ट किया, पहले भी शायद 1 महीना पहले भी आपको मैं मैसेज किया था, लेकिन मेरा ज़रूरत है इसके चलते मैं आज फिर से मैसेज किया।
ये सेट भी तैयार हो रहा है, इसके भी पेमेंट अभी घंटे दो घंटे में आने वाली है। मेरी बात हुई, इन्होंने कहा डाल रहे हैं। बाकी आपको कोई पार्ट चाहिए सारे लगे हुए हैं। 2800 की टंकी चाहिए मिल जाएगी, 2800 का फ्रेम चाहिए ऊपर का नीचे का, ये सारे मिल जाएंगे रखे हुए हैं। इसका भी देखिए बहुत जल्दी ये भी जाने वाला होगा आजकल में, जब कोई ना कोई भी ले ही लेगा उसको भी। बाकी इधर लगे हैं 2 किलोवाट के पार्ट सारे लगे हुए हैं। ब्रश कटर किसी को चाहिए तो ब्रश कटर मिल जाएगा, अभी एक नई कंपनी जुड़ी है, हो सकता है नया काम मेरा शुरू हो जाए। ब्रश कटर मात्र 15,000 रुपये में दे देंगे आपको, कंपनी गारंटी के साथ में, 1 साल की वारंटी रहेगी। कंपनी से मेरी बात हो गई है, बस बहुत जल्द आने वाले हैं मेरे पास और मैं खुद उसको बेचूंगा। और सर्विसिंग सेंटर मेरा यहाँ रहेगा, जो यहाँ लोकल में रहते हैं वो सर्विस यहाँ करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी भाई को चाहिए जनरेटर तो ले सकता है, ये 2800 है, ओपन की डिमांड बहुत रहती है। अब ये भी तैयार रखा हुआ, किसी को भी चाहिए तो ले सकता है। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा, बने रहिए, आगे भी ये 2-3 जो सेट भी जाएंगे वो आपको दिखाएंगे डिलीवरी करते हुए। बाकी थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।